अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको तिरंगे के बारे में बहुत से जानकारी होगी ही। मगर इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रतीक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीटी फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि झंडा उतारने का सही समय क्या है? आपने झंडा फहराते हुए तो कई बार देखा होगा, मगर क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने झंडा उतारने का भी एक निश्चित समय करके दिया है? सरकारी भवनों में रविवार और छुट्टियों के दिनों में भी तिरंगा झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, मगर 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा सूर्योदय के बाद में फहराया जाता है, लेकिन उसे सूर्यास्त के पहले निकालना या उतारना एकदम अनिवार्य है। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आप पर कड़क से कड़क कार्रवाई हो सकती है। फैक्ट नंबर टू, वैसे तो आपको पता होगा कि तिरंगे पर बना नीला रंग अशोक चक्र और धर्म चक्र का प्रतीक है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि तिरंगे पर बना नीला रंग उसमें कितनी तीलियां होती है और वह तीलियां क्या दर्शाती है? अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है, और इसका नीला रंग आकाश और महासागर का प्रतीक है जो राष्ट्र की प्रगति और जीवन के न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि भारत का झंडा कितनी बार बदला गया है? समय के साथ साथ हमारे तिरंगे में कई बदलाव हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा तिरंगा कुल 6 बार बदला गया है? हम आज जो तिरंगा देखते हैं, वो पहले कैसे दिखता था? 1906 में हमारे भारत का झंडा कुछ ऐसा दिखता था और इसे अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑफ 1906 ऐसे भी कहा जाता है। इसके अगले साल ही यानी 1907 में हमारे तिरंगे में फिर से एक बार बदलाव करा गया और तब हमारा तिरंगा कुछ ऐसा दिखता था, और उसके बाद 1917 में ऐसा, 1921 में ऐसा और 1931 में कुछ ऐसा दिखता था, और 1947 में हमारा तिरंगा यानी जो हमारा तत्कालीन समय पर राष्ट्रध्वज है यह तैयार हुआ था। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप जानते हैं कि भारत का तिरंगा सबसे पहले तैयार किसने किया? पिंगली वेंकटैया, इन्हें हम डायमंड वेंकटैया के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही पहली बार तिरंगा तैयार किया था। यह भारत के एक स्वतंत्र सेनानी और एक गांधीवादी व्यक्ति भी थे। फैक्ट नंबर फाइव, अगर आप तिरंगा खरीदते हो या तिरंगा बेचने वाले हो तो आपको किस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है? तिरंगे का आकार बड़ा हो या छोटा, लेकिन वह हमेशा 3:2 के अनुपात में होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि आप अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी तिरंगा किसी दूसरे धर्म के झंडे के साथ लगाया जाए तो उस वक्त तिरंगे की ऊंचाई वो दूसरे धर्म के झंडे से ऊंची होनी चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और आपके धर्म का या किसी और धर्म का झंडा तिरंगे से ऊंचा लगा देते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। तो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।